और उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल की सियासत जारी है। बीजेपी ने अपने खेमे में एक निर्दलीय विधायक के बाद कांग्रेस के सिटिंग विधायक को शामिल कर कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने की योजना बनाई। हालांकि कांग्रेस में भी लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का दौर जारी है। बीजेपी का दावा है कि उनके संपर्क में अभी भी कांग्रेस के कई विधायक हैं और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को कोरा झूठ करार दिया है। दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मदन कौशिक और गणेश गोदियाल कैसे इस मामले पर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सवाल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, सवाल ये है कि हम दुनिया की राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास के काम, गौरव के काम, देश का स्वाभिमान, मान सम्मान, उस सारी चीज़ों से प्रभावित होकर कोई भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। कोई किसी शर्त के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना कराया जाता ना करता, तो इसलिए कोई भी आएगा उसका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नहीं, वो एकदम कोरा झूठ है, अफवाह है, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है, ऐसी कोई बात और है नहीं इन सज्जन के अलावा, इनके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं उत्तराखंड की सियासत में चल रही दल बदल की राजनीति पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी में वही नेता शामिल हो सकता है जो ट्रिपल सी के फॉर्मूले पर खरा उतरेगा, यानी कि क्रिमिनल, करप्ट और कम्युनल नेता को पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। तो ये साफ किया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे मानना है कि जो भी हमारे संपर्क में है उनको जो 3C का फॉर्मूला है उसको निश्चित तौर पे पार करना पड़ेगा। कोई भी करप्ट, कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले तो उसे, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री है उसे भ्रष्ट बोलते रहें और जब वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो ठीक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी वॉशिंग मशीन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की दिखाते हैं। पहली तस्वीर देहरादून की होगी जहां पर नगर निगम कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मसूरी से है, वहां पर 8 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों ने विरोध जाहिर किया। तीसरी तस्वीर हल्द्वानी की है, वहां पर जबरन चालान काटने पर पुलिस और CPO के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने अपना विरोध जाहिर किया। 3 तस्वीरें विरोध की तस्वीर। देहरादून, मसूरी और हल्द्वानी में अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों का विरोध प्रदर्शन।